Yes, good morning friends. Welcome to online learning from Adarsh Mahavidyalaya. 11th accounts. 11th accounts का अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक. आपको बताओ कैश बुक किसे कहते हैं? जिस बही में रोकड़ से संबंधित व्यवहार लिखे जाते हैं उसे कैश बुक कहते हैं. कैश के अंदर क्या इंक्लूड होता है? इवन हार्ड कैश जो पैसे वगैरह होते हैं और दूसरा बैंक वगैरह से हमको चेक मिले, ठीक है, उसे भी किस में काउंट करते हैं? ऐसा कैश. तो आज हमारा जो कैश बुक का दूसरा टाइप है कैश एंड बैंक वाला हमारा टाइप कैश बुक, उसके बारे में पढ़ेंगे. इसका फॉर्मेट सेम ही होता है जो हमने सिंपल कैश बुक थी, और इसमें एक कॉलम दूसरा इंक्लूड हो जाता है बैंक का, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड, ठीक है. वैसे ही होता है जैसे हम पेमेंट वगैरह बैंक से करते हैं, सॉरी इसी पता है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं, और पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है. अभी उसी तरह से हम लोग बुक का एक सम ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज नंबर 186. तो फर्स्ट को क्या क्या बनाना है इसके अंदर, हम को रीड करेंगे. निम्नलिखित व्यवहारों में से भगवती ट्रेडर्स की रोकड़ बही और रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करना है, ठीक है. सेकंड टाइप है टू कॉलमनर कैश बुक. टू कॉलमनर में भी अलग अलग बना देते हैं, इसमें से आज हम जिस जो सीख रहे हैं कैश और बैंक वाले कॉलम वाली रोकड़ बही. तो वह कैसे स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक देखते हैं कैश बुक ऑफ भगवती ट्रेडर्स. क्या दिया व्यवहार हमको, जुलाई प्रारंभिक रोकड़ शेष 5000 और प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट, ठीक है. कई बार क्या होता है बैंक में हमने पैसे ज्यादा निकाल लिए, बैलेंस था 10000 हमने 12000 ले लिया, तो उसे बैंक ओडी कहते हैं. जितना बैलेंस होता है उससे ज्यादा बैंक में से अमाउंट ले लेते हैं उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है. तो जुलाई 2015 जुलाई इधर भी ऐसे जुलाई सॉरी 2015 जुलाई फर्स्ट, ठीक. तो अभी स्टार्ट करें, प्रारंभिक कैश है कितनी है 5000, टू बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना 5000, कैश वाले कॉलम में लिखेंगे कैश का है वो कैश में लिखेंगे, बैंक का है वो कहाँ लिखेंगे बैंक कॉलम में लिखेंगे. इसी तरह बाय बैलेंस बीडी बैंक बॉडी है कितना, बैंक बॉडी हमारा 1500. फिर इसके बाद रुपए 8000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से रोकड़ी जानकी को बेचा, यानी बेचा है सेल किया है, ठीक है. सेल किया कितने का गुड्स है 8000 का, 8000 का माल बेच रहे हैं, तो हमारी इनकम और इनकम तो किस साइड लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड यानी रिसीट वाले साइड. कौन सी तारीख है, जुलाई 3 2006 कैश से भेजा है, ठीक है. तो कितना अमाउंट है 7200 आएगा, कैसे 8000 में से 10% लेस करेंगे तो कितना आएगा 7200. कौन से कॉलम में है, कैश वाले कॉलम में, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट व्यवहार है हमारा ट्रांजेक्शन, रुपये 3000 रोकड़ी बैंक में भरी. हाँ ये आपके लिए वही पॉइंट है, कई बार क्या होता है हम बैंक में यहाँ नकद पड़ी है तो बैंक में भरते हैं, कई बार बैंक में से पैसे हम लोग लेके आते हैं धंधे के अंदर, तो क्या होता है उसे कौन सी एंट्री कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है. कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स क्या, जिस एंट्री का दोनों साइड इफेक्ट हो, डेबिट साइड भी हो क्रेडिट साइड भी हो या पेमेंट साइड भी हो या रिसिप्ट साइड भी हो, उसे कौन सी एंट्री कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री. बस इस चैप्टर के अंदर एक सीखने वाली बात यही है, ठीक है. सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री चाहिए, बैंक रोकड़ में भरी तो क्या होगा, कैश जाएगी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश,
ठीक है, उस एंट्री को कैसे करेंगे, कौन सी तारीख है हमारा, जुलाई 5, दोनों साइड्स का इफेक्ट जाएगा, तो आपको जो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक वाले कॉलम में पहले लिख देंगे कितना अमाउंट है, 3000 हमने बैंक वाले लिख देंगे 3000 बैंक वाले कॉलम में। इसी तरह से जुलाई 5 था, जुलाई 5 दूसरा इसका इफेक्ट बाय करके लिखेंगे, बाद में इफेक्ट बाद में लिखेंगे, तो सब पार्टिकुलर है, कौन से कॉलम में 3000 कैश वाले, तो क्या करेंगे सीधा सीधा इसमें जो उसका अपोजिट है, हम बैंक में लिख रहे हैं तो यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट और इसे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी क्या करेंगे और इसका जो कॉलम है हाईलाइट कॉलम में लिख देंगे सी कॉन्ट्रा, फिर इसके बाद रुपए 2000 का माल जिनल को बेचा, जिनल ने तुरंत चेक से रकम चुका दी और चेक हमने बैंक में भर दिया, ठीक है, बेचा था चेक मिला, अगर चेक मिला और बैंक में भर दिया ऐसा उसे बैंक कैसे ट्रेड करते हैं, ऐसा बैंक अगर बोले चेक दिया तो उसे ऐसा कैश के रिलेटेड ही ट्रेड करते हैं, अगर क्रॉस चेक दिया उसे किस तरह ट्रेड करते हैं हम लोग, ऐसा बैंक बैलेंस ट्रेड करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, सीधा आपको क्लियर बता दिया, चेक बैंक में भर दिया तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है इसके लिए, तो कौन सी तारीख है ये 6 जुलाई 6 हमको इनकम हो रही है, रिसिप्ट हो रही है, रिसिप्ट किस साइड की जाती है, डेबिट साइड टू टू सेल्स लिख देंगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, सिर्फ हमारी जानकारी के लिए कितना 2000। अभी नेक्स्ट जुलाई कौन सी 9 भार्गवी के पास से 3000 का चेक मिला था जो पार्थो ने बिल्कुल ही निष्ठांकन कर दिया। कई बार क्या होता है हमारे पास चेक पड़ा होता है, कोई पर्सन ने दिया, फॉर एग्जांपल एक्स ए ने मेरे को चेक दिया, मुझे ए ने चेक दिया, वह चेक मैंने क्या कर दिया बी को दे दिया, तो क्या वो चेक आया और चला गया, तो इसकी कोई भी एंट्री हमारे कैश बुक में नहीं होती। जब जनरल प्रॉपर चैप्टर करेंगे या आपने किया होगा जो मैडम ने कराया था निशा मैडम ने, उसमें इसकी एंट्री होती है, कैश बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। फिर इसके बाद जुलाई 13 हर्षित को 6000 का माल बेचा जिसके बदले में 50% रकम रोकड़ में और बाकी की रकम का चेक मिला। हर्षित ने क्या किया, हर्षित ने रकम चेक से चुका दी और चेक हमने तुरंत बैंक में भर दिया, तो कोई हमको इशू ही नहीं है, ठीक है, तो हमने रकम भरी थी, ठीक है, हमको मिला, सेल किया है हमने हर्षित को, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3000 का, सॉरी 6000 का आधा कितना होता है 3000 कैश में मिलेगा, 3000 बैंक के थ्रू मिलेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी टू सेल्स, कौन से जुलाई 13 के दिन, जुलाई 13 सेल्स लिख देंगे, सेल्स अकाउंट कितना 3000 जाएगा कैश में और 3000 बैंक, ठीक है, आया सबको समझ में। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रुपए 6000 का माल दिवेश के पास से खरीदा था, दिवेश से हमने खरीदा था, रकम तुरंत ही चुका दी, हमको 6000 का माल दिवेश से खरीदा था और रकम हमने चुका दिया, नहीं मेंशन नहीं किया रकम चुकाई कैश के थ्रू, अगर बैंक बोलता तो बोलता चेक के थ्रू चुकाई या बैंक के थ्रू चुकाई, अगर ऐसा बोलना रकम चुकाई है उसे किस में ट्रेड करते हैं 15 तारीख बाय ऐसा कैश के थ्रू ट्रेड करते हैं, लिखेंगे बाय परचेज, तारीख कौन सी है 15 बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, कितने की 6000 का। फिर इसके बाद कौन सी जुलाई 18 वेतन रुपए 1000 दलाली रुपए 500 रोकड़ से चुकाई, नकद से हमने पे की, कम सैलरी 1000 और ब्रोकरेज 1500
कौन सी तारीख है 18 पेमेंट कर रहे हैं 11 बाय सैलरी अकाउंट कितना 1000 1000 फिर उसी तारीख के दिन 18 के दिन बाय ब्रोकरेज कितना 500 रुपया किस तरह से पे कर रहे हैं नकद में फिर इसके बाद 22 जुलाई जुलाई बैंक में 1000 बिजली बिल चुकाने के लिए निकाले बैंक से निकाले ठीक है ये भी कौन सी एंट्री होगी कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स क्या जिस एंट्री का दोनों साइड इफेक्ट हो आज मेरी मेरे पास दो जेब है इस यहाँ इस जेब में से पैसे निकालोगे इस जेब में रखे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ऐसे कह सकते हैं जिस एंट्री का दोनों साइड इफेक्ट हो बट उसके नकद शेष या बैंक शेष उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं तो जुलाई कौन सी है 22 ठीक है दोनों साइड इफेक्ट डालेंगे पैसे निकाले तो क्या होगा कैश बढ़ेगी वो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे कितना 1000 ठीक है तो फर्स्ट उसका इफेक्ट क्या जाएगा जुलाई 22 टू बैंक अकाउंट कितना निकाला 1000 फिर 22 जुलाई 22 बाय इसके बाद क्या करते हैं एलर्ट कॉलम में क्या लिखते हैं सी ठीक है फिर बिजली बिल चुका दिया 23 तारीख को हमने बिल चुका दिया ये कौन सी तारीख थी 22 फिर 23 तारीख बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना 1000 किस तरह पे कर रहे हैं हम लोग कैश ठीक है फिर सिमित को रुपए 1400 का माल बेचा जिसके बदले में जरूर रकम का चेक मिला चेक मिला अच्छी बात है तो यह चेक तुरंत ही बैंक में जमा करा दिया 2400 का हमको चेक मिला तो कहाँ जाएगी इसकी एंट्री रिसिप्ट साइड कौन से कॉलम में है बैंक के कॉलम में 24 जुलाई टू सेल्स अकाउंट कितना कितने का अमाउंट है 1400 का 1400 ठीक है फिर नेक्स्ट आज सिमित ने दिया चेक अस्वीकार चेक डिसमॉनर हो गया कई बार क्या होता है कि हम लोग माल बेचते नुकसान वाला चेक देता है पर कई बार वो चेक कई कारणों से अस्वीकार हो जाता है अब उस समय हम लोग क्या करेंगे कैश बुक में किस तरह से एंट्री करेंगे सर पहले उसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट साइड लेके जाएंगे किस तरह लिखेंगे कौन सी तारीख में डिसमॉनर 27 तारीख 27 को हम लोग लिखेंगे बाय सिमित अकाउंट कितना 1400 लिखते हैं डिसऑनर चेक ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर बैंक ने हमारे खाते में बैंक ओडी के 100 रुपए उधार किए उसकी जानकारी हमको एडवांस बैंक में दे दी कौन सी तारीख है 28 बैंक ओडी क्या है हमारा एक खर्चा है खर्चे को किस साइड दर्शाया जाता है पेमेंट से क्रेडिट से ठीक है तो हम लोग लिखेंगे कौन सी तारीख 28 बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी कितना है 100 रुपये किस कॉलम में आएगा बैंक वाले कॉलम में क्या करेंगे सब व्यवहार हमारे पूरे हो गए टोटल करेंगे टोटल देखेंगे तो डेबिट साइड पे टोटल दोनों कॉलम के अंदर ज्यादा है बैलेंस कहाँ जाएगा बैलेंस कहाँ बच जाएगा क्रेडिट से तो फर्स्ट डेबिट साइड पे टोटल करेंगे
और लिख देंगे कौन सी तारीख, जुलाई जुलाई 31। हाँ मैंने सोचेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है 16,200 और 9,400 16,200 इस सेट है और 9,400 बैंक बैलेंस का टोटल है। इस सेट टोटल सेम नहीं देंगे और 9,400 बैंक वाले बैलेंस का तो बाकी का डिफरेंस बचेगा हमारा बैलेंस कैरेट डाउन, उसको हम आगे लेके जाएंगे। कितना होगा 4,700 और 3,400 बहुत ही अच्छा सम था, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये सम यहाँ पर पूरा हुआ, आपको होमवर्क में क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 6 सेम टू सेम होमवर्क में करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 6 6 आपको होम असाइनमेंट में करना है। चलो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।